किसान बेहद गिनती के नहीं आ रहे, हजारों का साडा इकट्ठ है। असीं उहनूं इत्थों रवानगी करांगे श्री मुक्तसर साहब तो अगे रास्ते दे विच जिवें जिवें साडे किसानी ट्रालियां मिलणगीआं उन्हां दा एक बहुत वड्डा काफला बना के असीं दिल्ली नूं जाके घेरांगे। साडे कोल ट्रैक्टर ट्रालियां उत्ते तरपालां पाईआं हुईआं भी बारिश हो जे साडे किसानां नूं कोई परेशानी ना आवे। साडे कोल सिलेंडर बालण खंड नून आटा तेल सिलेंडर सारा साडे कोल अरेंजमेंट है। खेती कानूनों खिलाफ 26 ते 27 नवंबर को दिल्ली के घिराव की तैयारी के चलद्या भारतीय किसान यूनियन एकता सिद्धूपुर के वालों अज श्री मुक्तसर साहिब तो वड्डी गिणती ट्रैक्टर ट्रालियां ते किसान दिल्ली जाने रवाना हुए। दस दईए कि किसानों का यह काफिला 26-27 नवंबर को दिल्ली का घिराव करने हिस्सा लवेगा। उत्थे ही किसानों का कहना है कि उन्होंने तकरीबन 3 महीनों का राशन अपने ट्रैक्टर ट्रालियां रख लिया तो जदों तक यह कानून रद्द नहीं हो जाते उदों तक वह अपना शांतमई ढंग नाल अंदोलन जारी रखेंगे। जरनैल जी की कहना चाहोगे जिहड़ा तुहाडा दिल्ली दा घिराओ दा प्रोग्राम है किस तरह की तैयारी है तो किन्ने बंदे तुसीं इत्थों जा रहे हो, किन्नियां ट्रालियां जा रही मुक्तसर इकाई तो? साडे मुक्तसर दे विचों घट्टो घट्ट 500-600 ट्राली जा रही है। किसान बेहद गिनती दे विच नहीं आ रहे, हजारों का साडा इकट्ठ है। असीं हुण इत्थों रवानगी करांगे श्री मुक्तसर साहब तो अगे रास्ते दे विच जिवें जिवें साडे किसानी ट्रालियां मिलणगीआं उन्हां दा एक बहुत वड्डा काफिला बना के असीं दिल्ली नूं जाके घेरांगे। रणनीति किस तरह दी है, किस तरह का संघर्ष चलेगा, कि राशन भी नाल लैके चले हो? हाँ, असीं जिहड़ा अंदोलन करन जा रहे हैं साडे कोल ट्रैक्टर ट्रालियां उत्ते तरपालां पाईआं हुईआं भी बारिश हो जे साडे किसानां नूं कोई परेशानी ना आवे। साडे कोल सिलेंडर बालण खंड नून आटा तेल सिलेंडर सारा साडे कोल अरेंजमेंट है। जिन्ना चिर साडा यह अंदोलन असीं कामयाब नहीं हुंदे चारे आर्डर वापस नहीं करदे गए भावें सानूं महीना लगे तो भावें 4 महीने लग जाण, जिन्ना भी समा लगे सानूं पिछे भी साडा संपर्क रखिया होया। जे किते 2 महीनों बाद राशन की कोई मुश्किल आऊ साडे साधन बनाए है साडा अरेंजमेंट कीता पिछों साडा राशन सारा कुछ जाऊगा। असीं अंदोलन दब के लड़ांगे। हरियाणा सरकार ने पंजाब के नाल जिन्हें भी बॉर्डर लगते हैं पंजाब में आने वाले रस्ते है उन्होंने उपर बैरीकेड ला दिता गया ने भी किस तरह अगे जाओगे? हाँ ठीक है, वो भी किसान है, किसानों का दिल तो करता सी पर उत्थे समय समय दी सरकारां दबा करके उत्थे किसान तो अंदोलन करनगे जिन्ना होगा पर जे वो सरकार उन्होंने ना उठन देगी उन्होंने वसों बाहर हो जू वो उन्हों का काम है। असीं किसे रास्ते जाइए जिवें मर्जी करिए साडा इत्थों तुरन दा एजेंडा दिल्ली पहुंचांगे, दिल्ली जाके घेरांगे। सुखबीर बादल ने भी दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की ड्यूटी लाई है भी तुहाडे जदों किसान उत्थे पहुंचदे लंगर पानी की कहना चाहोगे उस पर? हाँ ठीक है, सुखबीर बादल नूं असीं चंगी गल कहने हैं पर असीं ये गल कहने सुखबीर बादल ने ड्यूटी जरूर लाई है उन्हां दा आपदा फर्ज बनदा किसानां दे नाल तुरन के किसानां दे मोढा नाल मोढा ला के जोड़न क्योंकि 50 साल बाद किसानों को परख लैनी असी ने सियासी लोगों की। अज साडे बच्चों की जिंदगी का मामला है, जमीनों का मामला है, हर साडे परिवारों का मामला है, साडियां जमीनां जा रही हैं ये अज साडे नाल आके खड़न पर साडे नाल तो कोई खड़ा नहीं आके असी ये की कह सकते हैं। ठीक है, लंगर लाउणा है, लंगर सारी दुनिया लाउंदी है। बहुत बहुत धन्यवाद इन्हां दा। डिस्ट्रिक्ट मुक्तसर तो श्री सुखदेव सिंह सरदार बूढ़ा गुजर असीं इत्थों मुक्तसर डिस्ट्रिक्ट दे विचों 300 ट्राली लैके जा रहे हैं और दिल्ली वाल जा रहे हैं जिहड़े कि केंद्र ने काले कानून बनाए ने किसानों के खिलाफ कि हर नागरिक के खिलाफ ने उस कानूनों रद्द कराने वास्ते जिहड़ियां ट्रालियां जिवें पिछे मारो निकाओ ट्राली आ रही है उस तरह ट्रालियां 10-20 मिनट घंटे तक सारियां आ जाएंगी इकट्ठियां होकर तो दिल्ली लिए रवाना होवांगे। जिहड़ी अज दे संजीदा हालात ने मीटिंग नहीं हो सकती क्योंकि जिन्ने भी साडे आगू साहिबान ने उन्होंने इस मोर्चे दे विच सब तो शमूलीयत इहदी अगवाई करनी है। इस करके जो भी किसान किते किसानों को दिल्ली मिले किते भी जो ठहराव का समा मिलेगा मीटिंग का समा उदों बाद ही मिलेगा। इन्होंने दिनों में हुण दे समय के हालात नाल मीटिंग नहीं हो सकती। इत्थों चल के थोड़ा जिहड़ा रात का पड़ाव कित्थे है? वो महल कलां दड़बा मंडी के कोले ਰਾਤ ਦਾ ਪੜਾ ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਅੱਜ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹੋ ਚੱਲੇ ਨੇ, ਪਰੰਤੂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹਵੇਗਾ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਨਾਲ ਆਪਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਤ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ। ਰੰਗਲਾ ਟੀਵੀ ਲਈ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਤਰਸੇਮ ਟੋਡੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।